बीजेपी नेता प्रीतम लोधी के खिलाफ जगह जगह हुआ प्रदर्शन, हुए फायर फूका पुतला। भाजपा नेता प्रीतम सिंह लोधी के द्वारा ब्राह्मण समाज पर व महिलाओं पर की गई अभद्र टिप्पणी को लेकर और ब्राह्मण समाज के लोगों ने एसपी ऑफिस में धरना देकर विरोध प्रदर्शन किया और प्रीतम सिंह लोधी पर एफआईआर की मांग की। बता दें कि प्रीतम सिंह लोधी ने कार्यक्रम में ब्राह्मण समाज और कथा पंडाल में कथा सुनने वाली महिला पर अभद्र टिप्पणी की थी। इस टिप्पणी को लेकर वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। वीडियो के वायरल होते ही अनेक लोगों ने इसे देखा। प्रीतम लोधी द्वारा जो ब्राह्मण समाज के बारे में अभद्र भाषा का प्रयोग किया जा रहा है वह काफी निंदनीय है, जिसका ब्राह्मण समाज में पुरजोर विरोध किया और एसपी ऑफिस पर जाकर धरना प्रदर्शन किया। ब्राह्मण समाज के लोगों का कहना है कि धरने से तब तक नहीं हटेंगे जब तक प्रीतम सिंह लोधी पर एफआईआर नहीं हो जाती। साथ ही ब्राह्मण समाज के लोगों ने प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा की जो भी जानकारी थी उसे प्रीतम लोधी पर कार्रवाई की जाकर पार्टी से निष्कासित करने की मांग की। मामले को लेकर एसडीओपी ने आश्वासन दिया कि शाम तक एसडीओपी पर एफआईआर हो जाएगी, जिस पर ब्राह्मण समाज के बंधुओं ने धरना समाप्त किया और कहा कि अगर शाम तक प्रीतम सिंह लोधी पर एफआईआर नहीं होती तो वह अनिश्चितकालीन धरने पर बैठेंगे और जब तक नहीं उठेंगे तब तक प्रीतम सिंह लोधी पर कार्रवाई नहीं होती। ये आज आप लोग यहाँ पर बैठे हुए एसपी ऑफिस पर, तो क्या कारण है, किस लिए यहाँ पर बैठी हो और क्या आपकी मांग है? भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रीतम लोधी द्वारा ब्राह्मण समाज पे अशोभनीय टिप्पणियाँ की गई, महिलाओं के खिलाफ अशोभनीय शब्दावली का प्रयोग किया गया, जो कि ब्राह्मण समाज का भरपूर अपमान है। उस अपमान को ब्राह्मण समाज स्वीकार नहीं करेगा। उस स्थिति में प्रीतम लोधी के खिलाफ एफआईआर के लिए हम लामबंद होकर धरने पर बैठे। अगर एफआईआर नहीं हुई फिर क्या किया जाएगा? अगर एफआईआर नहीं होती तो धरना स्थल पे हम सभी ब्राह्मण बंधु बैठेंगे। कब तक के लिए? अनिश्चित जब तक एफआईआर नहीं होती, मतलब अनिश्चितकालीन रहेगा जब तक एफआईआर। बिल्कुल। पुरुषोत्तम तिवारी, आज आप यहाँ पर धरने पे क्यों बैठे? देखो, धरने पे बैठने का मूल कारण क्या है कि जो प्रीतम सिंह लोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता, उन्होंने कल एक भरे मंच पर बैठ करके खड़े होकर के जो भाषण दिया वो प्रतिक्रिया उनकी थी, वो प्रतिक्रिया असहनीय थी। उसमें एक अकेले हमारे ब्राह्मण समाज का अपमान नहीं है, उसमें सनातन संस्कृति का अपमान है, सभी हिंदू समाज का अपमान है, सभी संत महात्माओं का सबका अपमान है। मंच किसको नहीं मिलते? मंच हमें भी मिलते हैं, हम भी भागवत आचार्य हैं। अगर हम कह करके, हम बोल करके अगर किसी के सामने किसी समाज को अपमानित करते हैं, किसी भी समाज को, अदरवाइज हम सबके यहाँ, मैं पांडित कर्म करता हूँ, लेकिन हमने कभी भी किसी भी समाज के प्रति कोई अनर्गल और अपसभ्य व्यवहार आज तक जीवन पर्यंत नहीं किया। तो हम मैंने ये एक जो हम एफआईआर कराने के लिए बैठे हुए हैं उन पर, प्रीतम सिंह लोधी पर, बिल्कुल बिल्कुल अनिश्चितकालीन हम धरने पर बैठे रहेंगे सभी समाज के लोग। और एक अकेला ब्राह्मण समाज नहीं है, इसमें हिंदू समाज और सब हमारे भाई हैं, बहुत लोग हैं, काफ़ी समाज हैं जो अलग अलग जगहों से आए हैं और आने वाले हैं।